हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 एंड सारे किचन की प्रिपरेशंस हो चुकी है, कुकिंग स्टार्ट है। तो जब से हम लोग मुंबई आए हैं तब से लेके आज तक, मतलब 4 दिन हो चुके हैं ना, 4 से 5 दिन हुए ऐसे। सो एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट इट। हाँ, 4 से 5 दिन हुए हैं एंड हम लोग सुबह 8 बजे अप्रॉक्सीमेटली उठ जाते हैं क्योंकि, और फटाफट सब आंटी आती हैं, जो मतलब जो हमारी दीदी हमने लगवाई है वो आती है। उससे पहले हमारा पूरा, मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि आधा काम हो जाए, पूरा तो नहीं हो पाता। अभी वो 9 बजे आ जाएगी एंड अभी 8:30 हो रहा है। प्लीज अवॉइड द मेस अगेन। यहाँ पर बन रही है मेथी आलू और ये बन रही है दाल, और यहाँ पर बन रहा है दाल को मैंने कुकर लगाता है ना वो करने के लिए रखा है। अब मैं फटाफट से तब तक आटा गूंथ लूंगी जब तक ये काम हो रहा है। पूरा काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर जो भी बर्तन थे वो भी क्लीन हो चुके हैं, पूरा खाना बन चुका है। अभी बज रहा है सिर्फ 10 बज रहा है। क्या सोच रहे हो आप? नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे को एडिटिंग का भी काम है और एक्चुअली आज हम जाने वाले हैं 12 बजे, हम लोगों का आज एग्रीमेंट है तो उसके लिए हम लोग अभी निकलेंगे 12 o'clock पे। तो इसलिए मैंने फटाफट काम कर लिया है। अब मैं शार लेने के लिए जाऊँगी, खाना खाएंगे और फिर 11:30 बजे हम लोग निकल जाएंगे। सो ये हमारा प्लान है। ओह हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी वीडियो आगे ले जाने से पहले। आई वुड लाइक टू शेयर यू समथिंग। सो बेसिकली यू नो, अभी क्योंकि इतना ज़्यादा, मतलब मैं इतने 10 डेज से इतने क्योटिक उसमें हूँ और मुझे पता है कि ये आगे 15-20 डेज भी रहने वाला है बिकॉज शिफ्टिंग प्रोसेस, ये सब चीज़ें बहुत एनर्जी एंड टाइम लेता है एंड बिकॉज ऑफ दिस माई स्किन फील रियली एग्जॉस्टेड। मुझे यहाँ पर हल्का सा डार्कनेस हो गया है, आज के बाद यहाँ पर मुझे पिगमेंटेशन भी है एक्ने का। तो क्योंकि अभी मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ प्लानिंग करने में कि कैसे होगा, क्या होगा, सब के साथ मैं कॉल्स पे रह रही हूँ, उसके साथ साथ अपना यूट्यूब का भी मैनेज कर रही हूँ, सो आई रियली डोंट गेट टाइम टू फॉलो माई स्किन केयर। मतलब जो एकदम लंबा सा प्रोसेस होता है, ये करना वो करना, ढेर का करना फलाना वना, आई एम जस्ट फॉलोइंग 2-step नाइट स्किन केयर रूटीन दीज डेज, जो मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश। इसके अंदर टर्मरिक, सैफ्रन एंड वॉलनट पीट्स मिले हुए हैं। सो ये बेसिकली करता क्या है, जेंटली एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को। अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, सन डैमेज
डैमेज को रिड्यूस करता है। सेकेंड आता है ये मामा अर्थ का उपटन नाइट फेस मास्क। द फेस मास्क आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही मूजी काइंड ऑफ मूज नहीं होता है, उस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। हमारे पुराने टाइम से ही उपटन का बहुत ज्यादा यू नो महत्व है और स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बट यू नो उपटन बनाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज वेरी वेरी टीडियस एंड बहुत ही लॉन्ग होता है, तो वो कौन बनाए? तो वो सारी चीजें इस मामा अर्थ ने उपटन नाइट फेस मास्क में लेकर के आए हैं। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, नियासिनमाइड मिला हुआ है, एलोवेरा जूस है एंड विटामिन सी है। ये आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, स्किन को इवन टोन करता है, स्किन का टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करता है एंड ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस। आप जब भी मामा अर्थ की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसका ऑब्जेक्टिव ये है ताकि आप जब भी मामा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करें तो आपको अच्छा एक प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप प्लैनेट को भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब क्रुएल्टी फ्री होते हैं। मामा अर्थ हैज बीन अवार्डेड पेटास क्रुएल्टी फ्री एंड ब्यूटी विदाउट बनी सर्टिफिकेशन एज वेल। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% ऑफ मामा अर्थ की वेबसाइट पर। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल है नायका, अमेजन और mamaearth.in पर। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हाय एवरीवन, सो हम लोग अभी निकल गए हैं अग्रीमेंट के लिए। सो लेट्स सी, वहां पर जो ओनर के POA हैं, मतलब क्या था POA का फुल फॉर्म? पावर ऑफ अटर्नी, जिसके पास है, क्योंकि हमारे जो ओनर हैं वो रहते हैं US में। हाँ, वो विक्की की कंपनी में ही है, मतलब जो भी करंट कंपनी है उसी में है वो, बट वो US ब्रांच में है, US या UK, आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ बोला था उन्होंने, बट वो वहीं पर है। क्योंकि मेरी भी उनसे, उन्होंने हम दोनों से बात करी थी। और क्या होता है ना, जब आप घर फाइनल करते हो तो एजेंट आपकी पूरी डिटेल्स लेता है, आपका नाम, आपका मैरिटल सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट, देन आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। ऑब्वियसली आप किसी को घर दे रहे हो तो आप ये सब पता करते ही हो। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो हमारा जो, हम लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन बहुत दूर की बात है, उनने जैसे ही हमारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो देखा, वो जो ओनर थे वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोला इनको दे करके फाइनल करते हैं। और हमने जिस रेंट पे अपना, उन्होंने कोट बहुत ज़्यादा किया था बट हमने जितना उनको बोला उतने पे वो आ भी गए हैं इस साल, तो थैंकफुली। सो अब हम जा रहे हैं अग्रीमेंट करने और वो जो उनकी POA है, मतलब जिनको अथॉरिटी दी गई है, उनसे मिलने के लिए एक बार और। सो यस, लेट्स गो। वो मैं ऑब्वियसली शूट नहीं करूँगी पार्ट। तो अभी हम लोग आ गए हैं सब अग्रीमेंट वगैरह करके, बहुत लंबा हमारा टाइम हो गया। थैंकफुली हमारे जो ओनर्स हैं, टचवुड, हमको, हमारे जो यहाँ वाले अंकल थे ये भी बड़े कूल से थे, हम लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव थे, है ना, काफ़ी सपोर्टिव थे चीज़ों को लेकर के। मतलब जैसे आप मुंबई की सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि आप घर के अंदर डांस क्लासेस इज़ नॉट अलाउड, यू हैव टू गिव रेंट टू क्लब हाउसेज एंड आप वहाँ पर ही कर सकते हो, ऐसे सब अलाउड नहीं होता ये सब करना। बट हमारे ओनर को हमने जब ये बात बताई थी तो उन्होंने एज लाइक, अरे तुम करो, कोई तुम्हें कुछ बोले तो मुझे बोलो, ऐसे ही टाइप के हमारे अभी करंट ओनर्स, मतलब जो हमको आने वाले हमारे फ्यूचर ओनर हैं वो लोग भी वैसे ही हमको मिले हैं थैंकफुली। एंड उनकी जो जो है ना, जो POA उनकी वाइफ भोपाल की है ना, उनकी वाइफ भोपाल की है, दैनिक भास्कर में जॉब करती है, तो काफ़ी सारे ऐसे कनेक्शन निकल रहे थे। इन लोगों का बैकग्राउंड सेम है विक्की का और जिनका घर है उनका, सो ऐसे अच्छे लोग मिले हैं इन शॉर्ट। सो आई एम हैप्पी नाउ बिकॉज एक रहता है ना, जैसे ओनर को भी रहता होगा कि हमको अच्छे टेनेंट्स मिल जाए, ऐसे टेनेंट्स को भी रहता है कि एक अच्छे ओनर मिल जाए एंड ऑल। तो ये लोग अभी एक घंटे से विक्की और वो लोग वही सब उनका काम का डिस्कशन कर रहे थे। सो यस, फाइनली कल हम जाने वाले हैं कलश रखने के लिए, आई एम सुपर एक्साइटेड। हाँ, एक और चीज़ क्या हुई थी अपन को कि मुंबई में ऐसा है कि जब आप घर शिफ्ट करते हैं ना तो बिल्डिंग का आपको अलग से वो रेंट देना पड़ता है, क्या, शिफ्टिंग रेंट, देर आर सम शिफ्टिंग चार्जेस, जो अभी तक विक्की ने तो नहीं पे करे हैं जब वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। और मैंने कभी भी, टीनू लोग भी इतनी बार शिफ्ट करी है, मैंने टीनू के मुंह से भी नहीं सुना कि कुछ अलग से शिफ्टिंग चार्जेस होता है लिफ्ट का। तो मैं वही उनके, क्योंकि इन लोगों ने हमको पहले से बताया नहीं था, तो यूजुअली क्या होता है ना, मैंने अभी तक लोगों के मुंह से यही सुना है कि मुंबई में घर ढूंढना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, घर नहीं मिलता है, इजीली नहीं मिलता है, आपको मिल जाता है तो आपकी चॉइस का नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं ना, ये जो एजेंट्स लोग होते हैं ये आपको दबा देते हैं और आप दब जाते हो। तो हम लोग तो लिटरली वहाँ पर मुंह पे ऐसे बोल रहे थे, आपको पहले ही बताना चाहिए था। वो बोलता है हर सोसाइटी में ऐसा होता है, मैंने बोला हर सोसाइटी में नहीं होता है, और अगर ऐसा था तो आपको क्लियरली हमको मेंशन करना था, 5,000 बहुत होते हैं ना, हम एक तो आपको जो एजेंट का रेंट है वो दे रहे हैं, एक वो लमसम अमाउंट जो होता है वो हम ओनर के अकाउंट में दे रहे हैं और हम रेंट भी दे रहे हैं।
तो हमारा तो बहुत खर्चा हो गया ना वो एक साथ। ऊपर से आप हमको भी बता रहे हो आपको 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फिर हमको भी ट्रक वाले को देना है जो ये शिफ्टिंग होगी, ऊपर से छोटे मोटे जो काम करवाएंगे वो अलग, तो एक अच्छा खासा खर्चा हो रहा है। उस पर हमको कोई बताया आपको 5,000 और दे रहा है फालतू का, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, जबकि आप हर मंथ मेंटेनेंस देते हो राइट। वो हमारा ओनर हम उस वहाँ पे मेंटेनेंस का कितना चार्ज बताए थे, मेंटेनेंस चार्जेस कितना है, 2,500 5,000 मेंटेनेंस चार्ज हर मंथ हमारे ओनर दे रहे हैं उनको ऑलरेडी, उसके बावजूद भी उनको शिफ्टिंग चार्ज चाहिए। तो मैं आज उनके मुंह पे ये बोल रही थी कि नहीं नहीं वो तो हम नहीं देने वाले, आपको लगता है तो अग्रीमेंट कैंसिल कर दो, क्योंकि हमारे पास 2 और शॉर्टलिस्टेड घर है, हम वहाँ चले जाएंगे, ऐसा कोई नहीं कंपलसरी कि हमको इसी घर में आना है, हमारे चॉइस में 2 और घर थे। ऐसे ऐसे करके मैंने उनको बोला कि मतलब हम नहीं डर रहे थे, हमने कहा ठीक है कैंसिल कर दो हमें तो नहीं। फिर उससे बोला ठीक है मैडम आपको देना है तो दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है, मैंने कहा नहीं हम नहीं देंगे। सो ऐसे ऐसे करके सब वो सॉर्ट आउट हो गया है, जो भी था उसका हम लोड नहीं ले रहे हैं। तो यस यही है, आज है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, बिकॉज आज हम लोग जाने वाले हैं कलश रखने के लिए हमारे नए घर में, मतलब कलश स्थापना। तो ऐसा होता है कि एक कोई अच्छा मुहूर्त देखा जाता है, मुहूर्त और अच्छा टाइम देखा जाता है जिसको चौगड़िया कहते हैं, तो वो देखा जाता है, तो उसमें जा करके हम लोग पूजा, मतलब पूजा तो नहीं ऐसे कलश रख देंगे, चावल रख के कलश रख देंगे और दिया लगा देंगे, सो दैट और भगवान का प्रे करेंगे कि हम इस घर में आ रहे हैं तो अच्छा सब कुछ हो एंड ऑल दैट, तो वैसा करेंगे। और उसमें उसके साथ हम कुछ थोड़ा बहुत सामान भी रखेंगे छोटा मोटा, तो इसका मतलब होता है कि हमारा गृह प्रवेश हो गया है। अब इस दिन के बाद जो हम आज करने वाले हैं उसके बाद हम कभी भी सामान शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर डे नहीं है। तो हमको जो टाइमिंग्स बताए गए हैं हमारे पंडित जी ने, वो हमको बताया 12:30 से 12:30 के बीच में, तो हम 11:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर मैं तैयारी कर दूँगी सारी, और 12:15 शार्प बजे मैं वहाँ पर कलश की स्थापना कर दूँगी, मतलब उसके 5 मिनट पहले 12:00 बजे से पहले कर दूँगी मैं। तो यस एंड फटाफट आज काम खत्म करते हैं। हम लोग बहुत सारा पुआ बनाया हुआ है अभी, क्योंकि निकलना है तो आकर के वहाँ से लेट हो जाएंगे ना इसलिए, और ये बापरे हाँ। तो ब्रंच के लिए पोहा बनाया है, बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई एडिटिंग, अभी मैंने एक्सपोर्ट पे लगा दिया है वीडियो, और बस अभी फटाफट से खाते हैं, खाने के बाद शार लेंगे, एंड शार लेने के बाद ये निकल जाएंगे। तो ये सब मैंने सामान रख लिया है, ये हल्दी कुमकुम है, और ये लाइटर रख लिया है, कपूर है, ये दिया बना दिया है आटे का, और उसके बाद ये कलश रख लिया है एक, और एक प्लेट रख लिया है। पूरे घर में ऐसा होता है ना, आप जब नए घर में जाते हो तो वो साथिया वगैरह बनाते हो, तो वो सब बनाऊंगी। एंड अभी मैं पहनने वाली हूँ ये वाला कुर्ता, एंड साथ में ये वाला प्लाजो उसके साथ। सो वी आर रेडी। तो वहाँ पर हम लोग क्या क्या छोड़ करके आने वाले हैं, एक तो ये अगारों का जो एयर फ्रायर है ये, एंड साथ ही साथ जो वाइन ग्लासेस है ये सब वहाँ पर रख करके आ जाएंगे। यस लेट्स गो, मोबाइल लो, रख लिया। नेक्स्ट हम लोग जब देखने के लिए घर आए थे तब यहाँ पर ये किसी ने कोई क्लीनिंग करने के लिए आया है, जिसने ये दिख रहा है आपको कुछ गंदा पोछा मार दिया है, गंदा कपड़ा था वो इसमें मार दिया है। तो यहाँ हमने जो हमारे एजेंट हैं जिससे हमने बोला है, उनको हमने बोल के तो रखा है कि आप इसको क्लीन कराओ तभी हम आएंगे, तो आने से पहले ये क्लीन हो जाएगा वैसे तो। एंड आज वाला जो व्लॉग है, मुझे नहीं पता है कितना लंबा व्लॉग है, बट आज वाला जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन। अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।